जितने भी बेगुना है, जुमे तो लुलमा और अफसर खान, जितने भी टैक्स पौधे लगती है, सालबारा लगता है, सालन सी लगती है, इंशाल्लाह अफसर खान प्रोवाइड कराएगा। और अफसर खान ये पिछले 25 साल से कौम और मिल्लत के लिए काम कर रहा है, और कौम और मिल्लत के बच्चों पे जहाँ भी जुल्म अन्याय अत्याचार होता है, अफसर खान पूरी ताकत से खड़ा होता है, और पूरी ताकत से खड़े रह के जितने भी बेगुनाह बच्चे हैं सबको बाहर लाने का काम जमीतुल उलमा और अफसर खान इंशाल्लाह। और वकील भाई हमारे जैसे नवाब पटेल है, खान सलीम खान है, तमाम लोग भी, एडवोकेट जकी है, तौफीक है, ये सारे भाई लोग फ्री में हम बोले काम करेंगे। लेकिन उसको जितना भी टैक्स पौती लगेगी, साफ बारह लगेगा, सॉलेंसी लगेगी, टिकट को पैसा लगेगा, जेरोक्स को पैसा लगेगा, टपाल बनाने के लिए पैसा लगेगा, जेल में जाने आने के लिए पैसा लगेगा, इंशाल्लाह जमीतुल उलमा और अफसर खान मिलकर पूरी ताकत के साथ करेंगे। और जितना भी खर्चा आता है सारे बेगुनाहों को छुड़ाने का काम अफसर खान और जमीतुल उलमा इंशाल्लाह करेगी। और हर माँ बहन को रो मत, अल्लाह के वास्ते मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि रमजान का महीना चल रहा, रोजे रखो, नमाजें पढ़ो, तरावी पढ़ो, तहज्जुद भी पढ़ो, और दुआ करो कि जल्द से जल्द मेरे जितने भी बेगुनाह भाई जेल में है सब बाहर आए। आप लोगों की दुआओं में अल्लाह ताला सुनेगा, आप लोगों की दुआओं में असर रहेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। और हर बेगुनाह को छुड़ाने की जिम्मेदारी हम लिए है इंशाल्लाह, और एक रुपया भी कोई माँ बहन किसी को देना नहीं। और अगर आप लोगों को कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, तो जमीतुल उलमा और अफसर खान आप लोगों के लिए खड़ा है हर वक्त। आप लोगों की मदद, जितने भाई लोग अंदर है उनकी मदद करने के लिए, जेल रहने दो, लॉकअप रहने दो, कोर्ट रहने दो, सब इंशाल्लाह हम लोग मिलके करेंगे। सर भाई, आप हमेशा जो है तो गरीबों के पीछे, जब भी ऐसी कुछ परेशानी आपदा आती है तो आप डटकर खड़े होते हैं, लेकिन उन नेताओं का क्या जो कौम के नाम पे वोट लेते हैं और आज यहाँ पे नजर नहीं आते? देखिए, नजर आना नहीं आना ये हर एक की अपनी अखलाक है, मैं किसी पे टीका और टिप्पणी नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि मैं पिछले 25 साल से कर रहा, आपने देखे होंगे सिटी चौक के दो दंगल, एक मोहन बोमले साहब के वहां से हुई थी, एक प्रदीप जायसवाल साहब, हम सब थे बेगमपुरा की दो दंगल। सवेरे 6:30 बजे तक मैं चौरस्ते पे खड़ा था, बेगुनाह बच्चे 11 बच्चों को पकड़ा गया था, उनमें 395 दाखिल किया गया था। लेकिन मैंने डीसीपी जय यादव सर को बोला कि पारदी लोग है, कि डकैत डालने वाले लोग है, क्या इन्होंने डाका डाला है, क्या आपका दिल बोलता है क्या? तो बोले उन्होंने कंप्लेन ऐसी दी, तो मैंने मेरी भी कंप्लेन लीजिए कि 1.5 लाख रुपए मेरे ऑफिस में से गए, इन्होंने 11 नाम दिया, मैं 22 नाम देता हूँ, उन पर भी 395 दाखिल करो। तो फिर जय यादव साहब ने बोले अफसर खान की कंप्लेन लो, तो सामने कंप्लेनर ने मई लिख के दिया पुरानी जवाब कि हमारे काउंटर के नीचे पैसे मिल गए, हम 395 हटा दिया, उनके ऊपर दंगल की केस लगाए। दूसरे दिन में कोर्ट में खड़े रहे, 11 लोगों की जमानत करा के मैं खुद गया, पूरे मुस्लिम वकीलों ने मेरी पीठ ठोके कि अफसर भाई मान गए आपको कि 395 आपने खारिज कराया। तो ये मैं कुछ नहीं करा था, कराने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला करा था, मेरी कोई ऐसी ताकत नहीं है, मैं जी रहा हूँ, हीरो बनाने वाला अल्लाह ताला है, और ये लोग है, ये माँ बहन की तरफ से कड़ी सजा मिली। लेकिन जो बेकसूर है उसके लिए तमाम पार्टी के जिम्मेदारों की एक जगह आना चाहिए। आप एक यहाँ के राजनेता है, एक सीनियर नेता है, कैसा मानते हैं आप कि आना चाहिए? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी और पक्ष को एक जगह आने की बोलने की जरूरत नहीं है, आना चाहिए, इंसानियत के नाते आना चाहिए। पार्टी और पक्ष को बाजू रख दो, मैंने अपनी पार्टी का आदेश लेके यहाँ नहीं आया, मैं कौम और मिल्लत के लिए यहाँ आया हूँ। पार्टी का आदेश को मेरे को कोई मैं मानता नहीं, मेरे लिए पार्टी बड़ी नहीं है, मेरे लिए कौम और मिल्लत बड़ी है, बेगुनाह है मेरे लिए बड़े। मैं कौम के लिए 25 साल से लड़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये भी इसमें भी जितने बेगुनाह है सबको जेल से अपने अपने घर नहीं पहुंचाऊंगा जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर आपके बयान आने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा था कि भाई इसके ऊपर राजनीति शुरू हो रही है, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर राजनीति इन्वॉल्वमेंट हो गई है? देखो, राजनीति करने वाले राजनीति करे, लेकिन हम यहाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे, जुल्म के खिलाफ हम बात कर रहे, हम राजनीति करते नहीं। राजनीति करने के लिए स्टेज है, स्टेज पे राजनीति करो। अरे ये जो लोग घूम के, कम से कम जिन लोगों ने आपको साथ दिया, जिन लोगों ने आपको साथ लेके चला, उनके लिए जरा सी तो हमदर्दी दिल में रखो, जरा सी हमदर्दी दिल में रखो, मैं ऐसा कहता हूँ। सर, हमने देखा है परिसर के अंदर ये बात बोलने की नहीं है, क्योंकि नेकी काम नेकी काम को छुपाया जाता है, लेकिन ये मजबूरी में बोलना पड़ रहा है इस्लाह के तौर पर। क्या खामोश तरीके से जो गरीब है, जो मजदूर तबका है, उनको खामोशी में हजारों रुपए की मदद कर रहे हैं, मैंने भी अपने आप से दो बार देख लिया हूँ, तो क्या उनके घरों तक भी आप पहुंच रहे हैं कि खाली यही दे रहे हैं? इंशाल्लाह घरों तक भी पहुंचाया जाएगा। और मैंने पहले मेरा वीडियो आप याद करें कि मैं हर माँ बहन जिनके घर में जिनके कमाने खाने वाले चले गए, वो कभी भी आज भी मेरे पास आ सकते हैं, कल भी मेरे पास आ सकते हैं, और परसों भी मेरे पास आ सकते हैं, और आने वाले कभी भी आ सकते हैं। आप पहुंचेंगे सर घर पे? आप पहुंचेंगे इंशाल्लाह? हम भी पहुंचेंगे। मैं कल किरातपुरा जाके आया, 1 घंटा में वहां पे बैठा, मैंने एजाज भाई से बोला जो जो बच्चे अंदर गए हैं, जिनके मतलब रोजमर्रा जो कमाते खाते हैं उनकी मुझे लिस्ट दीजिए, इंशाल्लाह
मैं बोल के नहीं बताता, मैं बंद मुट्ठी का आप कहाँ रहते? हम रोशन गेट के थोड़ा आगे रहते। अच्छा, आपसे और भी लोगों ने सहानुभूति जताई, हमदर्दी जताई और के लोगों ने? बस उन्होंने माँ बहन के जैसा हमारे जताया और हमारे बराबर हमारे बाजू पड़े। देखिए बाजी, हम भी शहर में घूमते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम दिखावा नहीं कर रहे, खामोश मदद कर रहे हैं, दिखावा कर रहे होंगे, लेकिन उनका भरोसा है ये हमारे सारे भाइयों को सबको निकालेंगे। भरोसा है, क्योंकि उन्होंने आज बोले कि हमारे बच्चे आ जाएंगे और हम ये भी दुआ देंगे, हम राज्यों में दुआ करेंगे। हमारे माँ बहन जो है जितने गरीब रो रहे रोजगार आ रहे, उन्होंने आज इतनी हिम्मत दी, आज हमको भी हिम्मत है, हम भी बहुत रो के जा रहे थे यहाँ से, लेकिन आज उनको भाई आखिरी सवाल से हटके आखिरी सवाल कर रहा हूँ। अफसर भाई के कामकाज को देखकर इनके जो विरोधी है, इनके खिलाफ के लोग, वो कह रहे हैं कि अफसर भी राजनीति चुनाव के लिए कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे इनको? हम नहीं देंगे, हम बस कुछ करेंगे, बस हमारे कोई बाप भाई हमारे वो रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। ये हमारा वादा है, हम वोट भी देंगे तो इन कुछ देंगे और हम किसको नहीं देंगे, क्योंकि